गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज आप ईडियम एंड फ्रेजिज़ का पार्ट 12 डिस्कस करांगे। जेकर तुसी चैनल ते न्यू हो तो प्लीज़ चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर लियो, तां जो थोड़े पास न्यू वीडियोज़ दे नोटिफिकेशन थोनू मिल सकन। तो चलो आज का सैशन आप शुरू कर दे, ठीक है जी। तो कह रहा ड्रॉ आ ब्लैंक, तो ड्रॉ आ ब्लैंक मीनस असफल होना। जो देखो ब्लैंक मतलब खाली, मतलब तुम इवें याद कर सकते हो भी खाली हो गया, मतलब असफल हो गया कोई परसन, है ना। तो बी अनसक्सैसफुल, मतलब सी ऑप्शन के उत्ते टिक लगा दोगे। तो ड्रॉ ब्लैंक मतलब असफल होना, मतलब बी अनसक्सैसफुल, क्योंकि सक्सैसफुल का मतलब तो अपना सफल होना होंगे, अनसक्सैसफुल का मतलब असफल होना, ठीक है जी। नेक्स्ट है एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, मतलब चाहे जिन्ना मर्जी डार्क क्लाउड होवे उसकी लाइनिंग सिल्वर होएगी ही होएगी। इहदा मतलब कुछ पॉजिटिव रहना, मतलब अपने आप नूं ऑप्टीमिस्टिक दे विच रहना, ठीक है जी, पॉजिटिविटी दे विच रहना, बी ऑप्टीमिस्टिक। और एवरी अनप्लीजेंट सिचुएशन हैज़ अ पॉजिटिव, मतलब जिन्नी ज़्यादा आप कहना जो भी मर्जी सिचुएशन होगी बट वो एक ना एक पॉजिटिव थिंग तो होंगी ही होंगी है डियर, ठीक है जी। तो एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग डियर, ठीक है, पॉजिटिव रहना, ठीक है जी। नेक्स्ट है बेटा आई वॉश, तो आई वॉश का मीनिंग होंगे बेटा धोखा देना डियर, आई वॉश का मीनिंग होंगे धोखा देना, मतलब किसी जो आप धोखा दें तो आई वॉश, अखा में आप कह देना धूल पा देनी डियर, ठीक है जी, तो उन्होंने धोखा ही देना हो गया। तो आ डिसेप्शन, तो बी ऑप्शन डिसीव करना, है ना, डिसेप्शन, ए आ डिसेप्शन डिसीव धोखा देना, ठीक है जी। नेक्स्ट हैगा फॉल फ्लैट, फॉल फ्लैट का मतलब भी असफल होना, ठीक है जी। तो फेल टू हैव एन इफेक्ट और टू हैव नो इफेक्ट, मतलब जो आप प्रोड्यूस करना चाहते वो आप फेल हो जाइए, टू हैव नो इफेक्ट, फेल टू हैव एन इफेक्ट डियर, ठीक है जी। नेक्स्ट है फैदर इन वनज कैप, तो फैदर इन वनज कैप का मतलब किसी पर माण महसूस होना, किसी पर अपनों प्राउड फील होना डियर, तो उन्होंने बोलते हैं फैदर इन वनज कैप, तो इसका मतलब होता समथिंग वन मे फील प्राउड ऑफ, ए ऑप्शन समथिंग वन मे फील प्राउड ऑफ, जिससे अपन माण होंगे, ठीक है जी, तो फैदर इन वंस कैप। नैक्सट है फॉर गुड, फॉर गुड का मतलब होंगे सदा ले, परमानेंटली, मतलब इको जगह पर रहन लग जाना सदा ले, हमेशा ले डियर, तो इसका मतलब होंगे फॉर एवर ज परमानेंटली डियर, भी कोई बंदा कम कार दे एक जगह पर सैट हो गया फॉर गुड डियर, ठीक है, तो उत्थे रहन दे ली, मतलब सदा दे ली उत्थे ही रहना स्टार्ट करता उन्हें, ठीक है जी, फॉर गुड। नैक्सट है गेव वेंट टू समथिंग, गेव वेंट टू समथिंग का मतलब किसी पर भड़कना, किसी पर अपना गुस्सा निकालना डियर, चिड़कना, तो यह मतलब होंगे गेव वेंट टू समथिंग, मतलब एक्सप्रैस यूअर एंगर, मतलब तुम अपना गुस्सा दिखा रहे हो किसी पर डियर, तो गेव वेंट टू समथिंग, इन्हों बार बार रिविजन करते रहो स्टूडेंट्स, यही बिल्कुल डिटो एग्जाम थोनू मिल जाएंगे डियर, ठीक है जी। नैक्सट है गैट ऑन समबडीज नर्व्स, तो मतलब किसी का दिमाग खराब करना, जब आप किसी इरीटेट कर देना, किसी तंग कर देना डियर, तो उदू बोलते हैं गैट ऑन समबडीज नर्व्स, तो मतलब टू इरीटेट, तो सी ऑप्शन के उत्ते टिक लगा दोगे डियर, ठीक है जी। नैक्सट हैगा डियर गैट आउट ऑफ हैंड, मतलब हथों निकल जाना, मतलब कंट्रोल दे विच कोई चीज़ का ना रहना डियर, तो अनकंट्रोलेबल, तो 229 का बी ऑप्शन आ जाएगा अनकंट्रोलेबल, कोई चीज़ कंट्रोल जो हथों निकल जाती है तो कंट्रोल विच नहीं रहती हैगी, ठीक है ना। नैक्सट है गो टू द डॉग्स, तो गो टू द डॉग्स का मतलब होंगे बर्बाद हो जाना, तो गो टू द जिवें आप कहना डॉग्स, बंदा डॉग कोल बैठा था मतलब बिल्कुल बर्बाद ही होया होंगे ना, जो स्ट्रे डॉग्स जिहड़े मतलब आप कहना बेचारे कुत्तियां दी वर्गी हालत बन जानी किसी की डियर, ठीक है ना, तो मतलब डेट्रॉयट शॉकिंगली, मतलब टू बी रियूंड, मतलब बंदा बहुत ज़्यादा उच्ची अवस्था भी सीगा डियर, बहुत अमीर सीगा गरीब हो गया एकदम, तो गो टू दी डॉग्स बेटा, ठीक है जी। नैक्सट है हार्ड एंड फास्ट, ना हार्ड एंड फास्ट रूल है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिकनेस, बहुत ही ज़्यादा सख्त, जिन्होंने आप बदल नहीं सकते, तो उन्होंने बोलते हैं हार्ड एंड फास्ट डियर, जिसनों बदलिया ना जा सके, मतलब स्ट्रिक्ट
दैट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड और फिक्सड, जो कोई चीज़ फिक्स हो जाए जिन्हों आप बदल ना सकते, ठीक है ना। नैक्सट है करिए इन आ पिकल, तो इन आ पिकल का मीनिंग होंगे डियर मुश्किल स्थिति दे विच होना, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी दे विच होना, उन्हों बोलते हैं इन आ पिकल, तो इन ट्रबल मुसीबत विच होना, जो एक्सपीरियंसिंग आ डिफिकल्ट सिचुएशन, तो बी ऑप्शन के उत्ते टिक लगा दोगे भी मुश्किल दे विच पैना ज मतलब किसी डिफिकल्ट सिचुएशन नू एक्सपीरियंस करना डियर। नैक्सट है इन द गुड बुक्स, तो इन द गुड बुक्स मतलब किसी का पक्ष लेना, भी जो आप किसी का पक्ष लें डियर स्टूडेंट तो उन्होंने बोलते हैं, जो आप किसी का पक्ष में आप पक्ष लीए भी आह बंदा सही है ना, तो उन्होंने बोलते ने इन द गुड बुक्स डियर, तो यह आजगा टू बी इन फेवर ऑफ, तो 233 का ए ऑप्शन आजगा टू बी इन फेवर ऑफ डियर, ठीक है जी। नैक्सट है इन द लोंग रन, मतलब अखीर बच्चे भी जो बहुत समा निकल जाता बहुत लंबा समा था अखीर बच्चे वो चीज़ हैपन हो जाती है, तो उन्होंने बोलते हैं इन द लोंग रन डियर, तो मतलब इवेंचुअली आफ्टर आ लोंग पीरियड ऑफ टाइम, इवेंचुअली आफ्टर आ लोंग पीरियड ऑफ टाइम, भी बहुत लंबे समय तक मतलब इंतजार किया अखीर बच्चों काम हो ही गया डियर। नैक्सट है इन द टीथ ऑफ, इन दी टीथ ऑफ मतलब आप विपक्ष विच ओपोजिशन दे विच आप बैठे हाँ, तो उन्होंने बोलते हैं इन दी टीथ ऑफ, मतलब इन स्पाइट ऑफ समथिंग और डायरैक्टली अगेंस्ट और इन डायरैक्ट ओपोजिशन, आप किसी के अगेंस्ट हाँ ओपोजिशन दे विच है ना, तो उन्होंने बोलते हैं विपक्ष विच होना डी, ठीक है जी। नैक्सट है किकड अप आ रो, किकड अप आ रो मतलब हंगामा करना, ठीक है जी, जो आप कोई हंगामा करता कोई बंदा बहुत ज़्यादा हंगामा करता है उन्होंने बोलता किकड अप आ रो, मतलब क्रिएटिड आ फस कॉज आ डिस्टर्बेंस, मतलब वैसे ही मतलब हंगामा करी जाना छोटी मोटे गल्लां ते है ना, तो उन्होंने बोलते हैं क्रिएटिड आ फस डियर कॉज आ डिस्टर्बेंस, ठीक है जब और कॉज आ डिस्टर्बेंस। नैक्सट है लैंड मी यूअर ईयर, मतलब किसी की गल ध्यान नाल सुनना, भी जो आप बिल्कुल किसी बंदे की गल बहुत ध्यान नाल सुनते उन्होंने बोलते हैं लैंड मी यूअर ईयर बेटा, तो इसका मतलब टू पोलाइटली आस्क फॉर समवनस फुल अटेंशन, टू पोलाइटली आस्क फॉर समवनस फुल अटेंशन, मतलब किसी की गल पर ध्यान देना, ठीक है जी। नैक्सट है लैट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट, मतलब अपने पैरों के नीचे आप कहना घा उग जाना, जो कुछ करांगे नहीं वेले बैठे रहांगे तो पैरों के थले जमीन के घा उगूगा ही ना फिर डियर, उन्होंने बोलते हैं वेले रहना, मतलब बिल्कुल बंदा वेला बैठा हिल भी नहीं रहा है तो पैरों थले भी घा उग जू करिए, तो उन्होंने बोलते हैं टू रिमेन आइडल, मतलब बिल्कुल वेले रहना, मतलब टू लैट द ग्रास ग्रो अंडर द क्लीयर है जी फीट। नैक्सट है मेड अ क्लीन बर्स्ट ऑफ, तो मेड अ क्लीन बर्स्ट ऑफ मतलब अपने गुनाह नू मान लेना, भी कोई बंदे ने कोई गुनाह किया उन्होंने मान लिया तो उन्होंने बोलते हैं मेड अ क्लीन बर्स्ट ऑफ, मतलब कन्फेस्ड हिज क्राइम या कन्फर्ड विदाउट रिजर्व, मतलब उन्हें अपना गुनाह मान लिया, उन्हें कुछ भी चीज़ रिजर्व करके लुको के नहीं रखी, उन्हें अपना गुनाह मान लिया रही है, ठीक है जी गल, उन्होंने बोलते आप मेड अ क्लीन बर्स्ट। नैक्सट है नो लव लॉस्ट बटवीन, मतलब बहुत नफरत होना, नो लव लॉस्ट बटवीन मतलब दो बंदे दे विचकार कोई प्यार नहीं है, उन्होंने बहुत नफरत होना बहुत ही ज़्यादा, नॉट ऑन गुड टर्म्स और इंटेंस डिसलाइक, नॉट ऑन गुड टर्म्स और इंटेंस डिसलाइक डियर, तो होप करदा डियर स्टूडेंट थोनू ये वाला पार्ट चंगा लग्या होगा, तो प्लीज़ कॉपी ते नोट जरूर कर लियो, तो बार बार इन्हों रिविजन करते रहो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।